आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AAS हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। जैसे कि हम हमारे वीडियोज में आपके लिए खेती बाड़ी के बारे में, बागवानी के बारे में, नए नए सब्जी भाजी और आयुर्वेदिक औषधियों के पेड़ पौधों के बारे में, फलों के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसे एक चीज़ का हम आपके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हमारे यहाँ लगा हुआ है ये काली हल्दी। जी हाँ दोस्तों, काली हल्दी, जिसे कि बहुत सारे लोग एक करोड़पति या लखपति बनने का जो सपना देखते हैं, तो काली हल्दी की खेती अवश्य करें। क्योंकि काली हल्दी जो दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुका है। इसकी बहुत सारी जो औषधि बनती है उसमें बहुत तायत में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें कर्क्यूमिन का जो प्रमाण है वो बहुत अधिक होता है, और कैंसर जैसी जो महाभयंकर बीमारियां है उसकी औषधि में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए आजकल इसका जो डिमांड है वो बहुत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ चुका है, इसलिए बहुत सारे लोग इसकी खेती कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं, अभी मई के समय में हमने जो लगा कर रखे थे, तो ये हमारा पुराना पिछले वर्ष का ही जो लगा हुआ था वो हल्दी हमने खोदे नहीं थे, तो यहाँ ये अभी पानी मिलने के बाद ये उग चुका है। तो दोस्तों, इसकी जो आप देख सकते हैं यहाँ काली हल्दी का ये हम आपको जो फूल दिखाने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर पिंक कलर का जो फूल यहाँ आया है, बहुत ही सुंदर फूल आप देख सकते हैं। तो यहाँ दूसरा एक छोटा और फूल आ रहा है, इधर देखिए आप, यहाँ ये जो दूसरा एक छोटा भी फूल आ रहा है। दोस्तों, ये हल्दी उगते समय इसमें जो फूल आ जाता है बहुत ही सुंदर फूल होता है, मनमोहक होता है, और ये फूलों का भी कुछ लोग कुछ तांत्रिक प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, जैसे कि इसके पत्ते आप देख सकते हैं, इसे काली हल्दी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पत्तियों पर एक नीली सी काली सी रेखा होती है, इसलिए। और दोस्तों, इसका जो गांठ होता है उसमें भी एक कालापन होता है, तो इसे कहीं कहीं श्यामा हल्दी या काली हल्दी के नाम से पहचानते हैं। इसके उपरांत भी एक कोई और प्रजाति होती है जो प्योर काली, जिसको हम टोटली ब्लैक कह सकते हैं, तो उसका भी हमने कहीं वीडियो देखा हुआ है। अब यही इसमें वो काली हल्दी होती है या उसका कोई अलग प्रजाति होता है, वो अगर आपको कोई इसके बारे में जानकारी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमको भी उसकी जानकारी मिल सके। लेकिन जहाँ तक प्रचलित है, हम जहाँ तक कहीं गूगल या इस पर सर्च करते हैं यूट्यूब पर, तो हमें काली हल्दी के रूप में यही एक हल्दी हर जगह दिखाई जाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत अच्छी तरीके से अभी मई के महीने में यह हल्दी उग चुका है, और जहाँ तक ये दिसंबर एंड तक इसकी हम खुदाई करेंगे। तो और इसको जो दोस्तों, इसका जो गांठ अगर आपको देखनी है, तो हमारा जो एक वीडियो बना था काली हल्दी एवं हल्दी की प्रजातियाँ, उसमें आप इसको देख सकते हैं कि इसके गांठ किस प्रकार की होती है और किस प्रकार का इसमें कंद होता है। तो दोस्तों, इसमें मैं आप बताना चाहूँगा कि ये हल्दी का प्रयोग हम आम साधारण तौर पर कर सकते हैं, गोमूत्र के साथ अगर इस हल्दी को पीस कर अगर हम नियमित सेवन करते तो कैंसर जैसी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती है, जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो ये इतना महत्वपूर्ण एक हल्दी ये होती है, उसके बावजूद हमारे पास और दो तीन हल्दी की प्रजातियाँ हैं जो हमारे उस वीडियो में हमने आपको बताए थे, और शायद वो आपने ना देखा हो तो इसके बाद आप वो वीडियो देखिए, काली हल्दी और हल्दी के अन्य प्रजातियाँ करके जो वीडियो है। तो दोस्तों, उसमें अलग अलग हल्दी के अलग अलग प्रयोग हमने बताए हुए हैं। तो ये काली हल्दी की खेती अगर कोई करना चाहता है, इसके बारे में अधिक जानकारी कोई अगर चाहता है, तो आप हमसे हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करें और हमसे बात करें, ताकि हम इसकी अधिक जानकारी और आपको दे सके। दोस्तों, ये हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास पहुँचे, इसलिए आप हमारे चैनल ये वीडियो को शेयर करें। हमारे वीडियो को हम नई नई जानकारी आपको देने के लिए हमारा हौसला बढ़ते लिए इसे हमारे वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों का फ़ायदा हो तो हमें आप सहयोग करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इतनी आशा करते हुए ये इस वीडियो को यहीं रोकते हैं।